ये सिर्फ गिटार नहीं बल्कि आहिल की मौत का गिटार है। जब आहिल अपनी धुन में और सब लोग उसकी आवाज में खो जाएंगे, तब मैं एक स्पेशल वोल्टेज स्विच ऑन करूंगी जिससे इसके कॉर्ड में हाई वोल्टेज आ जाएगा। बस आहिल की मौत हो जाएगी। दिलबर मेरे जब तक मुझे ऐसे ही छड़ पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में, ओ दिल मचल जाएगा प्यार हो जाएगा। दिल भर मेरे कब तक मुझे पिघल जाओगे। दिल से मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे, ए होश हो जाएगा प्यार हो जाएगा। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़ पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। लगता है सरजुड़ा की गाड़ी आ गई।
जन्नत, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको जाके ऊपर कपड़े बदल लेने चाहिए? जन्नत, मैं आपसे बात कर ली, जाके कपड़े बदली। ये कोई तरीका नहीं बात करने का। आप तो रहने ही दीजिए, वैसे ही बहुत तमाशा बन चुका है, और तमाशा मत बनाइए, जाके ऊपर कपड़े बदली। सुना नहीं आपने? जाइए जन्नत। जाओ सनम, भले ही आहिल जी ने तुम्हें बेइज्जत होने से बचा लिया हो, लेकिन तुम्हें मरने से कैसे बचाएंगे? हमारा ये प्लान तो फेल हो गया, अब हमें प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। आहिल रज़ा इब्राहिम, अगर तुमने आज गिटार बजा लिया होता ना, तो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से तुम्हारी डेथ हो जाती। लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत को इतनी आसान मौत मंजूर नहीं। ठीक है, तैयार हो जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? ये सैफ कहाँ गए, और आपका प्लान बी क्या है? चुप रहो। कोई मेरे मकसद के बीच में आए ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मेरी हवेली में कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे, ये मुझे पसंद नहीं। मैंने आपसे दोस्ती की है सिर्फ सनम की मौत के लिए, आहिल जी की नहीं। आप आहिल जी को नहीं मार सकती, पर तुम आहिल को बचा नहीं सकती हो।
ये तो एक मामूली सा झूमर था। आहिल जी के ऊपर अगर आसमान भी गिर रहा होता ना, तब भी मैं रोक देती, क्योंकि आहिल जी मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भले ही मैं खुद उनकी जिंदगी कांटों से भर दूं, लेकिन कभी भी मैं उन्हें मरने नहीं दूंगी। और आपकी और मेरी दोस्ती तब तक है जब तक आप आहिल जी से दूर, वरना आप जा सकती हैं। सरजूडा यहां कैसे? ये कौन है? सरजूडा, पछता रहे हो शायद निकाल के मुझे महफिल में, इस ख्याल से फिर आ गई हूं मैं। जो अधूरी रह गई थी वो कहानी, तू शैतान तो मैं शैतान की नानी। लौट आई है फिर तुम सब की मुमानी। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती हूं? इंसान बेशक आसमान को अपनी मुट्ठी में कर ले, लेकिन उसे अपने पैर जमीन से नहीं हटाने चाहिए। क्योंकि मुंह के बल गिरते वक्त नहीं लगता। तो मेयर क्या बन गई? ये भी भूल गई कि तेरे सर पर किसका हाथ है? भूल गई किसकी वजह से तू जिंदा है? मेरा लिहाज करना भूल गई? इसका निकाह तय कर लिया और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? या तुझे पता है कि जिस घर से तू रिश्ता जोड़ने जा रही है उस घर से मेरा कितना पुराना रिश्ता है?
मुझे लगा था कि शशि कपूर के सरजुरा से ताल्लुकात है, लेकिन ये तो कोई मनमानी निकली। अब जब तक मुझे शशि कपूर के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल जाए, उसका असली चेहरा मैं सबके सामने नहीं ला सकता। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, रुक क्यों गए? गाना बजाओ। बहुत तमाशा बन चुका है, और तमाशा मत बनाइए, जाके ऊपर कपड़े बदलिए, चाहिए जन्नत।